विधान परिषद के स्पीकर का चुनाव कराने को लेकर के सपा एमएलसी अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी विधान परिषद में अस्थायी स्पीकर का चुनाव कराने को लेकर के सपा एमएलसी का प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन पहुंचा। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में मौजूद नहीं थी। एडीएम सिटी ने ज्ञापन लिया। एमएलसी राजपाल कश्यप ने बताया कि आज शपथ ग्रहण हो गया है, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो गया है। सदन से पहले विधान परिषद के स्पीकर का चुनाव कराया जाए, अगर चुनाव नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी सदन में आवाज उठाएगी। अभी तो पहले याद दिला रहे हैं कि जो उनको करना चाहिए, क्योंकि प्रथा यही रही है कि जो कार्यकाल में वरिष्ठ होता है उसी को प्रोटेम बनाया जाता है। अभी तक की परंपरा है देश, पूरे देश में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं रही हो विधान परिषद रहे, जो प्रोटेम वही बनता है जो वरिष्ठतम सदस्य होता है। और बहुत से जो माननीय जो इस समय मौजूदा प्रोटेम बनाए गए इनसे वरिष्ठ बहुत लोग पड़े हुए हैं। 18 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है, अगर इसके पहले वो चुनाव नहीं कराते तो क्या समाजवादी पार्टी के एमएलसी सत्र में शामिल होंगे या नहीं? मांग करेंगे। आपको एक चीज बता दे, संविधान का जो अनुच्छेद 182 के अधीन जिस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है स्पीकर की, उसमें यह है कि असेंबली ही तय करती है। हम इसको बाकायदा एक विधिवत असेंबली में लाएंगे वहां पर कि साहब इसको जो है सदन को किया जाए, जो संवैधानिक तरीका है। 14 आज जो हमने ज्ञापन दिया उसके पीछे मंशा ये है कि हमने अविश्वास भी व्यक्त किया है प्रोटेम में, इसके लिए हमको आज इतनी पूर्व में ही आना पड़ा है। और 18 तारीख तक चूंकि विधानसभा में तो ये प्रक्रिया है कि 15 दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, लिहाजा सरकार इस कानून का लाभ उठा रही है और जानबूझकर अलंगा डाल रही है ताकि स्पीकर का चुनाव ना हो। यानी सदन में, पूरे सदन में समाजवादी पार्टी का बहुमत है। राज्यपाल, बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे गैर संवैधानिक तरीके से पदों को कब्जा कर रही है। उसी के तहत विधान परिषद में सभापति की सीट खाली हुई थी जिस पे प्रोटेम बनना था, ना ही वरिष्ठता का ध्यान रखा गया, ना ही बहुमत का ध्यान रखा गया, ना ही परंपराओं का ध्यान रखा गया और ना ही संविधान का ध्यान रखा गया। सभी धज्जियां उड़ा के और प्रोटेम बनाया गया। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि शीघ्र ही सभापति का चुनाव कराया जाए और प्रोटेम जो बने हैं इनको वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए इनको प्रोटेम को हटा के नए प्रोटेम जो वरिष्ठता में आते हों उनको और संविधान और परंपराओं और इनका ध्यान रखते हुए जो नया प्रोटेम बनाया जाए और चुनाव कराया जाए यथाशीघ्र, क्योंकि बहुमत समाजवादी पार्टी का है और बहुमत का न समाजवादी पार्टी के बहुमत का ध्यान रखा गया, न संविधान का, न परंपराओं का, किसी का तो ध्यान नहीं रख रही। बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे अवैध तरीके से कब्जा कर रही है, ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता विरोधी दल और हमारे पार्टी के सभी सदस्यों की तरफ से माननीय महामहिम को रिसीव करा दिया गया है। और पूर्व में भी जब प्रोटेम बनना था तब भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आशंका व्यक्त की थी और जो आशंका व्यक्त की थी बीजेपी ने वही किया। ये गैर संवैधानिक तरीके से जो बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर रही है समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यपाल जी, राज्यपाल चुनने से पहले आप मिलने आए थे राज्यपाल जी से, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेम घोषित कर दिया गया, एक बार फिर आप लोग आए, क्या लगता है कुछ होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक तरीके से जो भी संविधान में व्यवस्थाएं हैं उनमें न्याय मांगती रहेगी और महामहिम को न्याय करना चाहिए, लेकिन महामहिम ने किस दबाव में किस तरीके से ये गैर संवैधानिक तरीके से न परंपराओं का, न वरिष्ठता का, न संविधान का, किसी चीज़ का ध्यान न रखते हुए वहाँ प्रोटेम नियुक्त कर दिया गया। हम समाजवादी पार्टी की मांग है कि प्रोटेम को हटाया जाए और यथाशीघ्र चुनाव करा के जो बहुमत में हो उसको चयन किया जाए। एक और चीज बता दें, 7 मार्च 2022 तक आगे अगर नहीं मानते तो हम लोग न्यायालय तक जाएंगे। 7 मार्च 2022 तक समाजवादी पार्टी विधान परिषद में बहुमत में है और 7 मार्च 2022 तक ही वर्तमान सरकार का कार्यकाल है। तो ये जानबूझकर जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो इसलिए कि जो अंतिम वर्ष जो है किसी भी तरीके से प्रोटेम के सहारे निकालना चाहते हैं। हम लगातार ये जो है इसकी मांग को उठा रहे हैं, प्रोटेम पे भी यही किया, अब इन्होंने जो है ये
अब उनका कार्यकाल और ये प्रोटेम का जो रोल होता है केवल इसलिए होता है, वो तब तक नियुक्त होता है जब तक कि नए स्पीकर का चयन ना हो जाए, और ये सरकार की कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है कि स्पीकर के चयन को करने के इनको कोई करने वाले हों। इसीलिए राज्यपाल को पुनः ज्ञापन हम लोगों ने दिया कि आप स्पीकर के चुनाव का, क्योंकि प्रोटेम का काम पूरा हो चुका जो शपथ